नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अधीर बायोफ्लॉक फिश फार्म के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे IMC फिश फार्मिंग के बारे में। जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा कि IMC के फिश फार्मिंग यानी MC कैटेगरी इंडियन मेजर कार्प कैटेगरी की जो मछलियाँ हैं उनकी फार्मिंग हम बायोफ्लॉक में कर सकते हैं या नहीं, और क्या दिक्कतें हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सोल्यूशन है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अक्सर मेरे पास फ़ोन्स आते हैं या व्हाट्सअप आता है या कॉल्स आते हैं, जो भी कमेंट्स भी आता है, लोगों का सवाल ये होता है कि क्या मैं कौन सी मछली कर सकता हूँ उसमें। तो हमारा जवाब जो होता है कि आप अपने मार्केट में सर्च करिए और जो आपके मार्केट में ईजिली बिक जाता हो आप उस मछली को बायोफ्लॉक में करिए। तो लोगों का सबसे पहले यही जवाब आता है कि हमारे यहाँ तो रोहू, कतला, मृगल ये सब ज़्यादा बिकता है और क्या हम इसका फार्मिंग कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इंडियन मेजर कार्प यानी IMC कैटेगरी की मछलियाँ हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स है और क्या इसका बेनिफिट है, वो सब चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ IMC के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि IMC और कैटफिश में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, IMC में जो मेजर कैटेगरी है मछलियों की IMC कैटेगरी के अंदर वो है रोहू, कतला और मृगल। ये इंडियन मेजर कार्प हैं और कुछ विदेशी मछलियाँ भी हैं, आ गई हैं, इसे चाइना रोहू भी बोलते हैं, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ये आपका ग्रास कार्प, अमूर कार्प, ये सब जो हैं ये सब मछलियाँ विदेशी कार्प हैं, तो ये कार्प के नाम से जानी जाती हैं। है IMC कैटेगरी में ही, IMC कैटेगरी में इसलिए हैं क्योंकि जो ब्रीदिंग यानी सांस लेने का जो तरीका है वो सेम है, इसलिए ये IMC कैटेगरी में ही हैं। तो मैं पहले अपने यहाँ जो इंडियन मेजर कार्प की मछलियाँ हैं उनके बारे में बता दूँ, रोहू, कतला और मृगल, इन तीन चीज़ों के बारे में बता दूं मैं आपको पहले। देखिए दोस्तों, ये तीनों जो हैं, जैसे IMC और कैटफिश में फ़र्क क्या है, IMC जो है वो गिल, जो गिल यहाँ पे होता है उनका, उससे सांस लेती है। मतलब सांस तो सभी मछलियाँ वहीं से लेती हैं, मुंह के जो ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर, वो मुँह के द्वारा पानी को लेती हैं और गिल से उस पानी को निकाल देती हैं। लेकिन जो उस पानी, जो पानी वो मछली अंदर अपने अंदर लेती है मुँह से, उस पानी में ऑक्सीजन घुलित होता है और वो गिल, और जब गिल से पानी निकालने से पहले वो गिल से अपने बॉडी में यानी ब्लड में उस ऑक्सीजन को सोख लेता है, तो ये काम करता है ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन कैटफिश भी यही करता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कैटफिश मुंह से, कहा जाता है कि माउथ ब्रीदिंग फिश है। माउथ ब्रीदिंग फिश कहने का ये मतलब है कि कैटफिश कैटेगरी के जो फिश है वो पानी यानी टैंक के ऊपर, यानी पानी की जो आपकी सतह है उसके ऊपर आके हवा में भी सांस ले, से हम लोग पानी के बाहर सांस लेते हैं, वैसे ही कैटफिश पानी, अगर ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम है आपके टैंक में तो वो आपके बाहर से आके सांस लेके फिर वापस पानी में चला जाता है, तो ये उसका प्रोसेस है। लेकिन IMC कैटेगरी का जो फिश होता है वो ये प्रोसेस नहीं करता है, उसे ये, उसका ये नेचर नहीं है, इसलिए उसको पानी के अंदर ही ऑक्सीजन चाहिए। अगर पानी के अंदर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसकी मोर्टेलिटी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कैटफिश में ये चीज़ कम होता है, ऐसा नहीं है कि कैटफिश में भी हमेशा अगर आप छोड़ देंगे तो वो बाहर से सांस लेती रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन काफ़ी देर तक वो IMC के अगर कंपेयर करें तो कैटफिश ज़्यादा सर्वाइव कर पाती है बाहर के ऑक्सीजन से, तो वो बाहर से ऑक्सीजन आती है, मुंह निकाल के बाहर से ऑक्सीजन लेता है फिर पानी में चला जाता है। लेकिन IMC कैटेगरी ये काम नहीं करता है, इसलिए IMC कैटेगरी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों बायोफ्लॉक में या किसी भी तरह के फार्मिंग में, तालाब करिए, बायोफ्लॉक करिए, RS करिए, सब में IMC में ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि वह घुलित ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, ना कि बाहर के ऑक्सीजन को, हवा में आके ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है। तो ये डिफरेंसेज हैं दोस्तों कैटफिश और IMC में। दोस्तों मैं आपको कुछ जो कैटेगरी बताया था मैंने अभी आपको, रोहू, कतला, मृगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो मृगल मछली है दोस्तों, मृगल जो है IMC कैटेगरी की मछली है और वो हमेशा सर्फ बॉटम में रहना पसंद करती है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा बॉटम फीडर मछली है, कौन सा सरफेस फीडर मछली है और कौन सा सेंटर फीडर मछली है? तो उनका जो डिसाइड आप देख पाएंगे, आप पहचान सकते हैं, उनके मुंह की बनावट जो होता है वो अलग अलग होता है। जो बॉटम फीडर मछली होता है उसका मुँह इस तरह से रहता है, नीचे की तरफ हल्का सा, जो खुलने वाली चीज़ होती है वो नीचे की तरफ रहती है, और सेंटर वाली जो मछली होती है वो एकदम इस तरह से रहती है और इस तरह से मुँह उसका खुलता है, और जो सरफेस वाली फीडर होती है वो इस तरह से बनावट होती है उसका, और ये हिस्सा छोटा होता है, ये हिस्सा बड़ा होता है, तो ये हिस्सा खुल के वो ऊपर का तरफ, तो ये इसके मुंह के बनावट से पता चलता है कि वो किस तरह की मछली है, मतलब किस तरह की फीडिंग उसका नेचर है। तो मृगल मछली जो है वो बॉटम फीडर है, वो नीचे रह के दाना लेती है,
दाना लेना पसंद करती है। वो ऊपर इसलिए उसका नेचर हो गया है कि वो ऊपर नहीं आता है और नीचे ही रहता है। और बॉटम में जो जीव जंतु होते हैं या जो खाना वगैरह बॉटम में आप देते हैं, वो मछली खाता है। रोहू का जो नेचर है, रोहू सेंटर फीडर है, यानी पानी के जैसे डेप्थ है मान लीजिए 5 फीट पे, तो 2 से 2.5 फीट के ऊपर वाले हिस्से पे सेंटर में, पानी के सेंटर में बीच में वो रहता है और वहीं से अपना दाना खाता है, खाना पसंद करता है रोहू। और उसके साथ जो कतला फिश आता है, कतला फिश जो होता है वो सरफेस फीडर होता है, यानी जो उसका खाने का नेचर है वो ऊपर के हिस्से पे है, सतह पे, जो पानी की सतह होती है उस पे आके वो खाना खाता है। और आप जानते हैं कि अगर बायोफ्लॉक कर रहे हैं या बायोफ्लॉक में जाने के तरफ हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, या आपको पता है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी पता होनी चाहिए कि बायोफ्लॉक में हम फ्लोटिंग फीड देते हैं, स्कैनिंग फीड नहीं, यानी जो डूबने वाला फीड होता है वो हम बायोफ्लॉक में नहीं देते हैं, हम उसको फ्लोटिंग फीड देते हैं बायोफ्लॉक में। तो जो मछलियाँ ऊपर आके खाना पसंद करती हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, तो ये चीज़ इसलिए कतला जो है वो ऊपर आके मछलियों दाना खाता है, इसलिए कतला थोड़ा सा अच्छा है बायोफ्लॉक के लिए। लेकिन अभी बाकी और डिटेल में बताऊंगा। बाकी जो विदेशी कार्प हैं, जैसे ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है और आपका कॉमन कार्प है, तो कॉमन कार्प काफ़ी पसंद किया जा रहा है इस समय बायोफ्लॉक में, तो क्योंकि थोड़ा हार्ड फिश है और सर्वाइव कर जाता है, ग्रोथ भी थोड़ा अच्छा मिलता है। तो जो कॉमन कार्प है दोस्तों, वो भी बॉटम फीडर है, इसीलिए कहा जाता है। अक्सर आप अच्छे फार्मर जो बायोफ्लॉक कर रहे हैं उनकी वीडियोस आप देखते होंगे या वो अपने यहाँ बताते होंगे कि अगर आप फंगेसियस वगैरह की फार्मिंग कर रहे हैं और कतला थिलापिया वगैरह का फार्मिंग, तो या रूपचंदा वगैरह की मछली की फार्मिंग, तो उसके साथ आप कॉमन कार्प का कुछ बच्चा डालिए, कुछ मतलब 100 पे 1 या 2 पीस, 100 पीस के हिसाब से 1 या 2 पीस आप कॉमन कार्प डालिए, क्योंकि वो तली में चला जाता है, नीचे के जो बॉटम फीडिंग होती है, जो फ्लॉक भी जो नीचे बैठा रहता है उसको खाता है, और जो आपका फीड बच जाता है वो भी बॉटम में जाने के बाद वो मछलियाँ उसको खा जाती है, जिससे स्लज का इशू कम रहता है दोस्तों, स्लज का इशू कम रहता है जिससे आपका अमोनिया कम बनता है। इसलिए आप अगर फार्मिंग कर रहे हैं बायोफ्लॉक से, तो फंगेसेस वगैरह की फार्मिंग कर रहे हैं, फंगेसेस तिलापिया रूपचंदा इन सब मछलियों का, तो उसके साथ कॉमन कार्प की मछली भी रखिए, ताकि बॉटम फीडर को साफ करता रहे दोस्तों। तो ये एक चीज़ और बेनिफिट है कि आपका अमोनिया इशू इससे कम रहेगा और फ्लॉक की मात्रा बढ़ेगी नहीं दोस्तों। फ्लॉक मात्रा एक्सेस होगा तो ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा और उससे अमोनिया भी बढ़ेगा दोस्तों। फ्लॉक जब नीचे बैठेगा तो वो स्लज ही बनता है। ये चीज़ हुआ कॉमन कार्प के बारे में। दूसरा जो है सेंटर में जो रहता है वो ग्रास कार्प आता है। ये कार्प कैटेगरी में ग्रास कार्प एक मछली है जो सेंटर में रहती है रोहू की तरह, और वो सेंटर में ही अपना फीडिंग करना पसंद करता है। तीसरा मछली है सिल्वर कार्प। कई सारी हैं लेकिन जो बेसिक हैं वो बता रहा हूँ। सिल्वर कार्प सरफेस पे रहता है और सरफेस पे खाना पसंद करता है, लेकिन सिल्वर कार्प की फार्मिंग बायोफ्लॉक में अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आप IMC करना चाहते हैं तो ये आप कतला कर सकते हैं, क्योंकि वो कतला का ग्रोथ हो, क्योंकि रोहू मिडिल में होता है तो रोहू तो एकदम भी ग्रोथ नहीं करेगा दोस्तों, ग्रोथ का ही इशू है बायोफ्लॉक में। और IMC कैटेगरी का नेचर है कि उनको ज़्यादा जगह चाहिए होता है, अगर आप उनका व्यवहार देखेंगे, क्योंकि उनका ग्रोथ बाकी मछलियों से स्लो होता है। जैसे फगेसियस है ये आपका रूपचंदा है, थिलापिया है, इन सब मछलियों से, कॉमन कार्प वगैरह मछलियों से ग्रोथ इनका स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। तालाब में भी इनको 1 किलो होने में लगभग 9 महीने से 1 साल का समय लग जाता है। तो आप बायोफ्लॉक जानते ही होंगे कि बायोफ्लॉक में जो ड्यूरेशन है ग्रोथ का वो तालाब से 2 महीना 1 महीना 1.5 महीना ज़्यादा है, तो IMC में वो और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर ठंड भी आ जाएगा। किसी भी सीजन में आप शुरू करेंगे, 1 साल अगर आप देना है तो आपका ठंड उस समय आएगा। सर्वाइवल रेट कैटफिश के हिसाब से ज़्यादा है बायोफ्लॉक में। सर्वाइवल रेट की अगर बात किया जाए, मतलब जिंदा रहने की क्षमता, तो वह IMC कैटेगरी की मछलियाँ ज़्यादातर जिंदा रह सकती हैं, उनमें डिसीज कम आती है कैटफिश के अकॉर्डिंग। कैटफिश में ज़्यादा डिसीज आ जाती है बायोफ्लॉक में। IMC का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है लेकिन उनका ग्रोथ रेट कम है। अगर हमको साल भर तालाब में लगता है तो हमको यहाँ पे लगभग 1.5 साल लग जाएगा उसी फार्मिंग को, 1.5 साल तालाब हमको समय देना पड़ेगा, तो उसके बाद भी कन्फर्म नहीं है कि वो उतना अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे कि नहीं। IMC कैटेगरी का ग्रोथ बायोफ्लॉक में कम आएगा दोस्तों, इसलिए IMC को प्रेफर नहीं किया जाता। और दूसरा इशू ये आ रहा है ऑक्सीजन का। आपको पता है, अगर आप बायोफ्लॉक की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देना पड़ता है, क्योंकि हम कम जगह में हाई डेंसिटी की फार्मिंग करते हैं, यानी ज़्यादा मछलियों को रखते हैं और बड़े जगहों पर रहना पसंद करता है। यहाँ पर हम छोटे जगहों पर ज़्यादा मछलियों को डालते हैं
और इससे IMC कैटेगरी में स्ट्रेस रहता है, वो बार बार एक दूसरे से टकराती हैं, छोटा जगह मिलता है। जब वो घूमना शुरू करती है वो हमेशा तैरती रहती है, उनका नेचर ये नहीं है कि वो जगह पड़े रहेंगे, सुस्त मछली नहीं होती है वो हमेशा घूमना पसंद करती हैं और ज़्यादा बड़ा जगह चाहिए उनको घूमने के लिए, तभी उनमें ग्रोथ आता है। लेकिन बायोफ्लॉक में हम लोग छोटे जगह पे ज़्यादा मछली डालते हैं तो इससे उसमें स्ट्रेस रहता है और इस स्ट्रेस की वजह से उनका ग्रोथ नहीं आता है दोस्तों। और रही बात, ये तो हुआ ग्रोथ की बात, ऑक्सीजन वाली जो बात है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है हमें बायोफ्लॉक में। और जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो कैट फिश में 70 LPM से 100 LPM तक माना जाता है, बेस्ट अच्छा होता है। 70 कम से कम 70 चाहिए और 100 है तो बहुत अच्छा है। लेकिन यही चीज़ IMC में अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 100+ पे जाना पड़ेगा, यानी जब हाई डेंसिटी बढ़ाएंगे आप, जब मछलियों का वेट बढ़ेगा 150-200 किलो आपके टैंक में उनकी क्वांटिटी हो जाएगी, तो इन्हें 200 LPM तक का ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर उतना ऑक्सीजन आप नहीं दे पा रहे हैं तो मछली ऊपर आके तैरने लगेगी और हमेशा स्ट्रेस में रहेगी। दोस्तों ग्रोथ का सीधा संबंध स्ट्रेस फ्री मछलियों से होता है, यानी जो मछलियाँ कम स्ट्रेस में रहेंगी या एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगी वो ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। आपको किसी भी तरह से मछलियों को स्ट्रेस नहीं देना है, चाहे वो बायोफ्लॉक में कर रहा हूँ या तालाब में। बायोफ्लॉक में तो आपको खास कर ध्यान रखना होता है कि मछलियों को किसी भी तरह का स्ट्रेस ना दिया जाए, अगर उनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस रहता है तो वो ग्रोथ नहीं करती हैं। और IMC कैटेगरी में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होता है, अगर आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो आपको ग्रोथ क्या उनके डे मोर्टेलिटी के भी चांसेस रहेंगे। तो यही एक ड्रॉबैक है बायोफ्लॉक में, कम जगह में वो रहना पसंद नहीं करती, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, ग्रोथ उनका स्लो होता है। और अगर दोस्तों किसी कारण से, मान लीजिए आप 24 घंटे बैकअप वगैरह का ऑप्शन रखे हुए हैं, ठीक है, किसी कारण से अगर आपका बैकअप बंद हो गया, यानी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाता है, अगर 3-4 घंटे मान लीजिए गलती से ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है किसी भी कारण से, तो IMC कैटेगरी की मछलियाँ मरना शुरू हो जाएंगी, कैटफिश कैटेगरी की मछलियाँ मरती नहीं है। ये फ़ायदा है दोस्तों, इसीलिए बायोफ्लॉक में कैटफिश कैटेगरी की मछलियों को करने के लिए कहा जाता है कि किसी भी कारण से अगर आप मान लीजिए 2-4-10 घंटे के लिए आपका ऑक्सीजन बंद हो गया तो कैटफिश कैटेगरी की जो फिशेज हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। हाँ, ये चीज़ आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं कि आप रोज़ 8-4 घंटा 5 घंटा अपने ऑक्सीजन को बंद रखिए, उसमें भी तो अगर आप ये रोज़ करेंगे तो आपका ग्रोथ नहीं मिलेगा उनके साथ भी। तो ये चीज़ का डिफरेंस है दोस्तों, IMC करने में क्या क्या नुकसान है, यही एक नुकसान होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कम जगह में। अगर आप उनको चाहिए टैंक में पाल रहे हैं तो आपको डेंसिटी कम रखनी पड़ेगी उनकी, और फिर ऑक्सीजन के लिए आप प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी, किसी भी कारण से आपका बैकअप बंद नहीं होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन का सप्लाई हर हाल में 24 घंटे होना ही चाहिए, और जो आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो 100 LPM से प्लस होना चाहिए, 150-200 LPM आपको चाहिए IMC कैटेगरी में। तो ये इसलिए IMC कैटेगरी की फार्मिंग को बायोफ्लॉक में करने के लिए मना किया जाता है दोस्तों, मेन रीज़न यही है। 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया है यही रीज़न है कि IMC कैटेगरी की मछलियों को बायोफ्लॉक में करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हम जो फार्मिंग करते हैं वो बेनिफिट के लिए करते हैं ना कि नुकसान के लिए। हमें मार्जिन चाहिए होता है, जल्दी ज़्यादा जितने जल्दी हम अपने कल्चर को कंप्लीट कर पाएँ उतना ही हमारे लिए अच्छा है। इसलिए दोस्तों बायोफ्लॉक में कैटफिश कैटेगरी की मछलियों को करने के लिए कहा जाता है, और फंगेसेस वगैरह थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है, 6 से 8 महीने में आपका कल्चर कंप्लीट हो जाता है, और ये आपका बेनिफिट है दोस्तों। अगर आप फिर भी IMC कैटेगरी में जाना चाहते हैं दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर फिर भी आप IMC कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप कतला फिश को करिए, क्योंकि वो सरफेस फीडर हैं और इसलिए उसका ग्रोथ थोड़ा अच्छा होता है बाकी के हिसाब से, जो रोहू मृगल हैं उनके हिसाब से कतला का ग्रोथ थोड़ा अच्छा है क्योंकि वो सरफेस फीडर है। और वही चीज़ अगर आप विदेशी कार्प यानी सिल्वर और ग्रास कॉमन कार्प में करना चाहते हैं तो आप कॉमन कार्प करिए, और अगर थोड़ा ठंड में आप कॉमन कार्प करते हैं तो और अच्छा बेनिफिट मिलता है, यानी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है ग्रोथ में, 20 से 20-22 डिग्री टेम्परेचर पर वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। उसका रीज़न है क्योंकि वो तली में सही रहता है, और तली और ऊपर यानी जो सरफेस है सो उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर 4-5 फीट का आपका जो टैंक है उसमें तली में टेम्परेचर कुछ और होगा और ऊपर टेम्परेचर कुछ और होगा, बस आपको फीडिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि फीडिंग आप बॉटम फीडर वाला ही खिलाए, मतलब स्कैनिंग फीड खिलाइए, फ्लोटिंग फीड कम करिए, और फीडिंग कम कभी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि IMC कैटेगरी थोड़ा फ्लॉक भी कंज्यूम करती है। फ्लॉक कंज्यूम करने का सेंस ये है दोस्तों कि वो फ्लॉक को डायरेक्टली नहीं खाता है, क्योंकि जो पानी में सांस लेता है मछली तो पानी में हमारा फ्लॉक मिक्स होता है, घुला रहता है, तो पानी के साथ
वो फ्लॉक भी मछली के अंदर जाता है, और जब गिल से निकलता है तो फ्लॉक नहीं निकलता है, वो केवल पानी को फिल्टर करता है। ये फिल्टर का यहाँ पे काम करता है, तो पानी फिल्टर होकर निकल जाता है, बाकी जो भी चीज़ें उसमें रहती हैं वो सीधे मछली के ब्लड में इंक्लूड हो जाता है, मिल जाता है ऑक्सीजन के साथ फ्लॉक भी। इसलिए कहते हैं कि IMC का जो FCR है वो कम आता है, कैटफिश कैटेगरी के हिसाब से IMC का FCR कम आता है, क्योंकि वो फ्लॉक कंज्यूम करती हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है कॉमन कार्प में, अगर आप ठंड में करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा बॉटम फीडर होने के कारण कॉमन कार्प में। और एक मछली और है दोस्तों, आमूर कार्प। इसका जो ग्रोथ रेट है वो कॉमन कार्प से भी या फंगेसेस वगैरह से 1.5 गुना ज़्यादा है, यानी ज़्यादा तेज़ी से विकास करती हैं। आमूर कार्प मछली का फार्मिंग आप बायोफ्लॉक में कर सकते हैं, और काफ़ी तेज़ी से ये प्रचलन में है, और बहुत तेज़ी से बायोफ्लॉक के लोग की तरफ ये आकर्षित, मतलब लोग इसी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है, फंगेसियस के से भी अच्छा रिजल्ट ये दे रहा है इस समय। तो आमूर कार्प की फार्मिंग भी आप कर सकते हैं बायोफ्लॉक में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, और इसका जो रेट है वो 150 रुपये के आसपास मिल जाता है। एग्जैक्ट नहीं है दोस्तों, 10-20 ऊपर नीचे, कहीं कहीं तो लोग बताते हैं कि 200 रुपये में भी बिक जाता है कभी कभी, लेकिन फंगेसियस के साथ क्या है कि वो हमेशा 90 से 120 रुपये ही बिकेगा, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो कॉमन आमूर कार्प भी आप फिश फार्मिंग ये किसी भी समय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ठंड की बात नहीं है, इस समय भी आप इस फार्मिंग को, इस मछली की फार्मिंग को कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ बातें दोस्तों IMC कैटेगरी की फार्मिंग के लिए। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा, और इसको सोचिएगा कि क्या मुझे बायोफ्लॉक में IMC करना है या नहीं, कौन सी मछली आपके लिए बेहतर है। तो IMC को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था कि बायोफ्लॉक में करना चाहिए कि नहीं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी हद तक आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरे किसान भाइयों को या जो भी मेरे दोस्त हैं बायोफ्लॉक वगैरह में फिश फार्मिंग करना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको कुछ सही नॉलेज मिल पाए। तो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।